ये 10 से भी ज्यादा नाइट बैंड हमने आपके लिए बाय किए हैं, वो भी जस्ट 2000 के बजट के अंदर। यानी इन सभी का प्राइस 2000 रुपए से नीचे ही होगा, ऊपर नहीं जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको इनमें से 2 या 3 नाइट बैंड ही सजेस्ट करूंगा जिनके अंदर आपको दमदार साउंड क्वालिटी मिलेगी, बेहतरीन कूलिंग क्वालिटी मिलेगी, अच्छी बैटरी लाइफ के साथ साथ ANC जैसे बेस्ट फीचर भी मिलेंगे। यानी आप इन्हें आंखें बंद करके बाय कर पाओगे। और हाँ, अगर आपका बजट 2000 रुपए है और उसके अंदर आप ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं, यानी ये डिब्बी वाले ईयरफोन, तो उसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बना रखी है जो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको नेक बैंड खरीदने चाहिए या फिर ईयरबड्स, तो इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना रखी है जो आपको आई बटन पर ही मिलेगी। बाकी आपको बता दूं कि जब हमने इनको टेस्ट किया तो हमें ये टॉप 5 बेस्ट ब्लूटूथ नेक बैंड मिले जिनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। यानी बचे ये नेक बैंड इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए। सो 5th नंबर के नेक बैंड की बात करते हैं, जो आता है बोट की तरफ से, निर्वाणा 525 ANC। और इसका जो प्राइस है वो है 1500 के आसपास। और जब ये लॉन्च हुआ था तब इसके लॉन्चिंग इवेंट पर खुद अमन गुप्ता ने इसे प्रमोट किया था। तो ये रहा हमारा नेक बैंड। इसके अंदर मिलती है आपको एक चार्जिंग केबल, कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स बोट की तरफ से, साथ में एक छोटा सा स्टिकर भी है। तो इसे साइड में करते हैं और हमारे नेक बैंड की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक बैंड। अगर इसकी बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूं तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी सही है, जो बटन की क्वालिटी है वो भी काफी सही है। इनफैक्ट अगर मैं इसके फिटिंग एंड कम्फर्ट की बात करूं तो इसकी जो फिटिंग है वो भी काफी कमाल की है, एंड जो कम्फर्ट है वो भी काफी सही है। यानी आप इस नेक बैंड को 2-3 घंटे लगातार यूज कर सकते हैं मूवीज में या फिर ऑनलाइन क्लासेस में। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर की, जो है इसकी साउंड क्वालिटी। तो देखो इसके अंदर आपको 11mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, यानी जो बोट ब्रांड फेमस है वो है उसके बेस की वजह से, बट इसके अंदर उसी की कमी है। यानी इस नेक बैंड के अंदर आपको ना तो ज्यादा बेस मिलता है, ना ही इसकी जो वोकल्स है वो हाई वॉल्यूम पर क्लियर रहती है। इनफैक्ट इसके अंदर आपको डॉल्बी ऑडियो मिलती है, उसके बावजूद भी इसकी जो साउंड क्वालिटी मुझे एवरेज ही लगी। यानी जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी में कमी है। और यहीं अगर इसकी कूलिंग क्वालिटी की बात करूं तो देखो हमने इसका माइक टेस्ट कर रखा है, आप एक बार ईयरफोन लगा लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलेगी। ओके, ये है बोट निर्वाणा 525 ANC का माइक टेस्ट, जिससे पता चलेगा कि इसके अंदर आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलेगी। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलती है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। तो इस नेक बैंड के अंदर आपको 30 आवर्स की बैटरी मिलती है, साथ में अगर आप इसे 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो ये आपको 10 घंटे का प्ले टाइम प्रोवाइड करा देते हैं। यानी इसके अंदर बैटरी आपको ठीक ठाक मिलती है। बट अगर मैं इसके वीक पॉइंट की बात करूं तो इसके अंदर पहला वीक पॉइंट है इसकी साउंड क्वालिटी और सेकंड वीक पॉइंट है इसकी बैटरी लाइफ। यानी जब इसके अंदर आप ANC मोड ऑन करते हैं तो इसकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। और अगर इसके और फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी मिलती है, IPX5 की रेटिंग मिलती है, 30 आवर्स की बैटरी मिलती है, 11mm के ड्राइवर्स मिलते हैं और साथ में मिलती है आपको 1 साल की वारंटी। सो अगर आप बोट के नेक बैंड की तरफ जाना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे बाय कर पाओगे। सो अब बात करते हैं 4th नंबर के नेक बैंड की, जो आता है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो एनको M32। और आपको बता दूं इसका जो प्राइस है वो 1800 रुपए के आसपास है और ये कभी कभी मेरा फेवरेट नेक बैंड होता था, बट अभी काफी सारे नेक बैंड आ चुके हैं इसलिए ये 4th नंबर पर आ चुका है। तो ये रहा हमारा नेक बैंड। इसके अंदर मिलती है हमें एक छोटी सी डिब्बी जिसमें आपको एक्स्ट्रा ई टिप्स मिलेंगे, एक चार्जिंग केबल मिलेगी और काफी सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे और वारंटी कार्ड भी मिलेगा। तो इन्हें साइड में करते हैं और बात करते हैं नेक बैंड के बिल्ड एंड डिजाइन की। इसके बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूं तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है आपको पसंद आने वाली है, साथ ही साथ जो वायर की क्वालिटी है वो भी काफी सही है और डिजाइन ओवरऑल काफी प्रीमियम है, मैट फिनिश के अंदर आता है। और बात करें इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर यानी इसकी साउंड क्वालिटी की, तो देखो इसके अंदर आपको 10mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, बट इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी एक्यूरेट, काफी अच्छे से बेस को डिजाइन किया गया है, काफी अच्छे से ट्रेबल को, जो वोकल्स हैं वो काफी अच्छे से मैनेज हैं। यानी इसके अंदर जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो काफी कमाल की मिलती है। बात करूं इसकी कूलिंग क्वालिटी की, तो देख इसका भी हमने माइक टेस्ट कर रखा है, तो एक बार आप ईयरफोन फिर लगा लो। ओके, ये है ओप्पो एनको M32 का माइक टेस्ट, जिसे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलेगी। आई होप आपको आइडिया होगा
गया होगा कि आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलेगी। अगर कूलिंग क्वालिटी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी मार देना। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की, तो देखो इसके अंदर आपको 28 आवर्स की बैटरी मिलती है। साथ में अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करते हैं तो ये आपको 20 घंटे का प्ले टाइम निकाल के देता है, यानी इसके अंदर आपको कमाल की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। बट उसी के साथ इसका एक वीक पॉइंट भी है, वो है इसकी कूलिंग क्वालिटी के दौरान बैकग्राउंड नॉइस को उठाना। यानी अगर आप बाहर हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसके दौरान हल्की हल्की बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई देती है और सामने वाले को भी। इसके सिवा इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। और अगर इसके और फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी मिलती है, IPA55 की रेटिंग मिलती है, 28 आवर्स का प्ले टाइम, 10mm के ड्राइवर्स मिलते हैं और साथ में मिलती है आपको 1 साल की वारंटी। यानी काफी कमाल का नेकबैंड है। अगर आप इसकी तरफ भी जाना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी डिस्काउंट के साथ। ओके, जो थर्ड नंबर पर नेकबैंड आता है वो आता है OnePlus की तरफ से, OnePlus Z2, और इसका जो प्राइस है वो 1800 रुपए के आसपास है। ये रहा हमारा नेकबैंड। इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स और मिलेगा आपको, जिसके अंदर आपको एक रेड केबल मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, एक रेड कार्ड मिल जाता है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। बात करते हैं हमारे नेकबैंड की। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है या फिर डिजाइन है वो आपको जरूर पसंद आने वाला है। साथ ही साथ इसके अंदर एक ऐसा कमाल का फीचर मिलता है जो इसे यूज करने में काफी आसान बना देता है। जैसे ही आप इन ईयरबड्स को अटैच करते हैं तो ये आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही डी अटैच करते हैं ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और आप कमाल का म्यूजिक सुन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 12.4mm के ड्राइवर्स मिलते हैं जो इसको काफी बेहतरीन और दमदार साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करा देते हैं। यानी आपको बेस भी मिलता है, ट्रबल भी अच्छे से मैनेज मिलती है, साथ के साथ जो लाउडनेस है वो भी काफी कमाल की। बात करें अगर इसकी कूलिंग क्वालिटी की तो देखो हमने इसका माइक टेस्ट कर रखा है, एक बार आप ईयरफोन लगा लो ताकि आपको आइडिया हो जाए। ओके, ये है OnePlus का माइक टेस्ट, जिसे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलेगी। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि इसके अंदर आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की, तो देखो इसके अंदर आपको 30 आवर्स की बैटरी मिलती है, बट उसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। यानी जैसे ही आप इसे 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं ये आपको 20 घंटे का प्ले टाइम प्रोवाइड करा देता है, जो कि काफी अच्छी बात है। उसी के साथ अगर मैं इसके और फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी मिलती है, IP55 की रेटिंग मिलती है, 30 आवर की बैटरी मिलती है, 12.4mm के ड्राइवर्स मिलते हैं और साथ में मिलती है आपको 1 साल की वारंटी। सो काफी कमाल का नेकबैंड है, इसकी तरफ भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेकबैंड आता है Realme की तरफ से, Realme Buds Wireless 3, जिसका जो प्राइस है वो भी 1800 रुपए के आसपास है और ये इस लिस्ट का सबसे बेस्ट नेकबैंड। ये रहे हमारी नेकबैंड। इसमें पीछे की तरफ आपको एक सेक्शन मिलता है जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिलेंगे, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलेंगे और एक चार्जिंग केबल मिलेगी। अब बात करते हैं नेकबैंड की, तो अगर इसकी बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम मिलने वाली है, साथ ही साथ इसके जो वायर की क्वालिटी है वो भी काफी सही है और जो ईयर टिप्स की क्वालिटी है वो भी काफी बेहतरीन है। यानी आप इसे लॉन्ग टर्म तक यूज कर पाओगे, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बात की जाए इस नेकबैंड की साउंड क्वालिटी की, तो देखो इसके अंदर इस लिस्ट के सबसे बड़े ड्राइवर्स मिलते हैं 13.6mm के, तो इसके अंदर लाउडनेस भी काफी कमाल की है, साथ ही साथ जो बेस है वो भी काफी जबरदस्त है। और उसी के साथ आपको बता दूंगी इसके साथ आपको 30dB का ANC फीचर भी मिलता है, यानी जो बाहर की साउंड को काफी हद तक कम कर देता है और आपको एक सुकून भरा पल प्रोवाइड करा देता है जब आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा शोर शराबे से दूर होना चाहते हैं। साथ ही साथ इसका एक और बेस्ट फीचर है, इसके साथ आपको ऐप कनेक्टिविटी मिलती है, यानी जिससे आप इसके कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, गेमिंग मोड ऑन कर सकते हैं, बेस बूस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और गेमिंग मोड का बता दूं इसके अंदर आपको 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है, यानी इसके साथ आप गेमिंग भी काफी कमाल की कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। और उसी के साथ हमने इसका कूलिंग टेस्ट भी कर रखा है, एक बार आप ईयरफोन लगा लो। ओके, ये है रियलमी वायरलेस बड्स 3 का माइक टेस्ट, जिसे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलने वाली है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलती है। और इसके अगर मैं और फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिलती है, IP55 की रेटिंग मिलती है, 40 आवर्स की बैटरी मिलती है, 13.6mm की ड्राइवर्स मिलते हैं और साथ में मिलती है आपको 1 साल की वारंटी, जो काफी कमाल का नेकबैंड है, मेरा फेवरेट नेकबैंड है, मैं इसे आपको सजेस्ट करूंगा। इसका जो डिस्काउंटिंग लिंक मिलेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। और हाँ, इसी के साथ मैं आपको एक और नेकबैंड सजेस्ट करना चाहूंगा, जो आता है CMF की तरफ से, जो हाल ही में लॉन्च हुआ था और इसका भी जो
प्राइस है वो 1800 के आसपास है और इसके अंदर भी आपको काफी कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। बट CMF के अंदर आपको 50 DB का ANC मिलता है और Realme Buds Wireless 3 के अंदर आपको 30 DB का ANC फीचर मिलता है। इनफैक्ट जो CMF की कॉलिंग क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम है Realme Buds Wireless 3 से। तो दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं आपको एक नेक बैंड सजेस्ट करूं तो मैं आपको Realme Buds Wireless 3 ही सजेस्ट करूंगा। तो तकरीबन सारे नेक बैंड की हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं मेन कंक्लूजन की, यानी आपको कौन सा नेक बैंड खरीदना चाहिए। ओके, सभी नेक बैंड को टेस्ट करने के बाद मैं आपको जस्ट दो ही नेक बैंड सजेस्ट करूंगा जिनमें पहला आता है OnePlus की तरफ से। तो अगर आप अच्छा बेस चाहते हैं, अच्छी बिल्ड क्वालिटी डिजाइन चाहते हैं, OnePlus का ब्रांड ही खरीदना चाहते हैं तो आप OnePlus नेक बैंड 2 की तरफ जा सकते हैं। और जो सेकंड नेक बैंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो करूंगा Realme की तरफ से वायरलेस 3, और ये काफी कमाल का नेक बैंड है। इसके साथ आपको हर फीचर मिल जाता है जो आपको महंगे TWS के अंदर मिलता है। इनफैक्ट इसकी साउंड क्वालिटी काफी कमाल की है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन कमाल का है, इसके अंदर कूलिंग क्वालिटी कमाल की है, इसके साथ गेमिंग भी कर सकते हो। ये ओवरऑल बेस्ट नेक बैंड है, आपकी इसकी तरफ आगे बंद करके जा सकते हो। और दोनों ही जो नेक बैंड है, इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप इन्हें बाय कर पाओगे। और साथ ही साथ आपको बता दूंगी हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है जहां पर हम अच्छी अच्छी डील्स और अच्छे अच्छे ऑफर्स डालते रहते हैं डेली, तो मेक श्योर आप उसे भी ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। जय हिंद। 갑자기 내게 나타나죠 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야